मैं 1 2 3 बोलूंगा, जब 3 बोलू तब भाग जाना, और जो कार को हाथ लगा के पहले आएगा वो जीतेगा। रुक तो जा। तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो अभी टाइम दोपहर के 1:30 बज गए हैं, और आर्या के स्कूल ना कल से लग गए थे। कल स्कूल गया था, पर कल हमने व्लॉग नहीं करा था, पर आज व्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी मैं आर्या को स्कूल से लेके आया हूँ, क्योंकि आर्या के टेस्ट चल रहे हैं ना, तो छुट्टी जल्दी होगी इसको। तो गाइस, बस अभी आर्या को लेके आया हूँ, और ये देखो, तो अब इसके ना बाल कटवाने जा रहे हैं आर्या के ना। इधर दिखाना, तो ये देखो गाइस, आर्या के बाल देखो, नाक तो आ रहे हैं इसके। 3 साल ही ना कटवाऊं? 3 साल? फिर तेरी चोटी करने वाली हो जाएगी। हेलो। तो गाइस अभी चलते हैं, पहले आर्या के बाल कटवा के लाते हैं। तो गाइस, आर्या के बाल कटवा लिए, अभी चल रहे हैं घर। तो गाइस, आर्या के बाल कटवा के घर आ गए, और ये देखो वहाँ पे ना इसने क्या करा कि वो भैया ट्रिमर मार रहा था ना, तो ये ना एकदम से हिल गया, तो यहाँ कट लग गया नीचे करना। ये देखो यहाँ पे, और भैया ने कोशिश तो बहुत करी बराबर करने की, पर फिर भी ना हल्का हल्का पता चल रहा है। तो गाइस, आ रहा तो अभी नहाता है, आ रहा नहा ले, फिर मैं भी नहाऊंगा। तो गाइस, आ रहा के बाल कटवाने के चक्कर में मैं भी नहीं नहाया, क्योंकि फिर इसको बाल कटवाने के बाद साथ लेके आया तो बाल लग गए ना सारे। मैंने भी सोचा कि इसके बाद ही इसके कटिंग कराने के बाद ही नहाएंगे। तो गाइस, मीनू और ने तो सारे कपड़े धो दिए। तो गाइस, आ रहा तो नहा लिया, बस अब ये कपड़े डाल के तैयार हो गए, लंच करके जाएगा ट्यूशन, उतनी देर में ना मैं भी नहा लेता हूँ। A few moments later. तो गाइज, मैं नहा के आ गया, और मेरे नहा के आने से पहले ही आ रहा ना खाना खा के और रेडी होके चला गया ट्यूशन। और मैं बस अभी रेडी हुआ हूँ, और हमारे घर पे देखो कौन आया, चित्रा आई है अपनी दादी साथ। आ जा मेरे पास, आ जा। और शाद दे दिया मेरे को। तो गाइस, अभी ना अभी स्कूल से आ गया, ये जा रहा अपना ट्यूशन, मम्मी अपनी सिलाइयों पे लग गए, पर चित्रा मेरे पास आने से डरती है, मैं उठाता हूँ ना तो रोने लग जाती है, इसीलिए मैं उसके पास कम ही जाता हूँ। अब देखना, अब खेले जा रही है उसके साथ, और मैं बुलाऊँगा तो मेरे साथ नहीं बोलेगी। चित्रा मुँह ही नहीं करती मेरे पास, आ जा प्रसाद दे देंगे। मेरे को दे दो मेरे को दे दो शाद शाद दे दो पाजी को हाँ चीज़ आ दे देंगे यार। आंधी आजा चीज़ी लेके आए, आजा चले। आलू ये नहीं चाहिए, तू भरी जानी है मेरा हाथ, आजा चीज़ी लेके आए, आजा। तो गाइस, पहले तो शाम की चाय पीते हैं, उतनी देर में आ रहा, आ जाएगा। कहाँ है, आ गया तू? ओए लल्लू, तो गेट खुद ही खोल ले, मेरे को आवाज़ लगाया जा रहा है। हाँ, लग गई सिर पे, तो देख के चलना बाबू, ध्यान कहाँ होता है तेरा। तो गाइस देखना, आते ही खुद ही मुंह नीचे करके चल रहा है, और सिर लग गया गेट में, और रोने लग गया, तो देख क्या रहा था नीचे है? तो गाइस, फिलहाल अब ये कह रहा है कि इसको ना हिमांशु घर जाना है, कल हिमांशु आया था इसके साथ खेलने, अब इसको हिमांशु घर जाना है। मेरी बात सुन ले, अभी मम्मा जाएगी गुरुद्वारे माथा टेकने, तब तेरे को हिमांशु घर छोड़ देगी, ठीक है? हिमांशु की मम्मी भी वहाँ आती है, हिमांशु भी आता है, तो तू मम्मा साथ चला जाना, ठीक है? तो गाइस, मीनू बस चाय पी रही है, तो चाय पी के मीनू जाएगी गुरुद्वारा साहिब, तो मीनू आ रहा को छोड़ देगी हिमांशु के घर, और उतनी देर में ना मैं इस गैप में क्या करूँगा कि वो जो सामने अलमारी पे मिरर लगा हुआ है ना, तो गाइस वो मिरर का कई लोगों ने टोक दिया कि ऐसे अच्छा नहीं होता मिरर सामने भी, जो भी लोग आते हैं वास्तु के हिसाब से,
वो अपनी अपनी राय देते हैं, तो हमने ये डिसाइड करा है कि उसको ना दोबारा कवर कर देते हैं। तो आर्या जब उधर जाएगा तो मैं उसके लिए कुछ या तो कोई स्टिकर वगैरह लेके आऊँगा या फिर कोई फिल्म वगैरह दोबारा लेके आएंगे तो चढ़ाएंगे उसके ऊपर। तो गाइस एक्चुअल में ना आर्या का ना बर्थडे है 2 तारीख को, तो आर्या से पूछ रहे हैं कि तेरे को क्या चाहिए, पर इसकी जो सुई है वो कुत्ते पे अटकी हुई है कि मेरे को तो कुत्ता ही चाहिए, पर कुत्ता लाने के लिए मीनू मना कर रही है क्योंकि फिर कुत्ते की पोटी सुसु मीनू सोच रही है कि उसको साफ करने पड़ेंगे। जो घर पे करेगा वो कौन साफ करेगा? रोज मैं ही करवाने लेके जाऊंगा सुबह भी शाम। सुबह सर तेरे को स्कूल भेजने के लिए तो उठाना पड़ता है इतनी बार आवाजें मार मार के। आके तो घुमाने लेके जाऊंगा। मम्मा से पूछ ले, अगर मम्मा हाँ करती है तो ले आएंगे। हाँ के ना हाँ। तो गाइस अभी तक तो खैर आर्या का बर्थडे गिफ्ट कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, अब देखते हैं क्या देते हैं इसको। इस मीनू तो गई गुरुद्वारा साहिब पर ये गया ही नहीं साथ में। अब चल फिर मेरे साथ मार्केट चल, अपने वो शीशे का वो ले आते हैं, वो शीशे को कवर करने के लिए। मैं जाऊँ फिर, बैठा रहेगा अकेला? तो गाइस आ रहा बैठा थोड़ी देर, मैं मार्केट से वो ले आता हूँ उतनी देर में। तो गाइस एक्चुअल में ना सारी मंडी घूम आया मैं, पर ये ना मिरर पे चिपकाने के लिए कोई स्टिकर वगैरह मिला ही नहीं ढंग का। अभी मैं खैर लेके आया हूँ इसके लिए ब्लैक चार्ट और ये पतले वाली डबल टेप, इससे क्या होगा कि चिपक जाएगा ये चार्ट ना शीशे पे। तो चलो पहले इसको चिपकाते हैं। तो गाइस देखना, मैं लगा रहा था शीशे को कवर करने के लिए पेपर, और इधर देखो कौन आया है, आर्या का फ्रेंड आया है हिमांशु। तेरे पापा छोड़ के गए तुझे? हाँ। है हिमांशु, आज फिर कितने बजे जाएगा घर? आधा घंटे बाद। अच्छा चलो खेल लो दोनों जाने, मैं अपना काम कर लूँ ठीक है। तो गाइस देखना वो तो मैंने लगा दिया सारा, और देखें आर्या और हिमांशु क्या कर रहे हैं। तो गाइस देखना दोनों बाहर खड़े खेले जा रहे हैं। मेरी बात सुनो, तुम दोनों में रेस कराएं? हाँ। भाग के जाना है उतार के। हाँ? चप्पल उतार के तेज भाग जाता है। हाँ? चप्पल उतार लो चाहे, पर पैर में कुछ लग ना जाए। मेरी सॉक्स गिर नहीं जाएगी। हाँ, ऐसे चप्पल डाल के जाओ, दोनों के क्रॉक्स ही डाले हुए, कोई बात नहीं। रुक जाओ। मैं वन टू थ्री बोलूंगा, जब 3 बोलूं तब भाग जाना, और जो कार को हाथ लगा के पहले आएगा वो जीत जाएगा। पीछे तो पीछे, ये लाइन से पीछे। हाँ एक पैर आगे रख लो, हाँ ऐसे लाइन पे। जब मैं गो बोलूं तब भागना ठीक है। चलो रेडी स्टेडी गो। ओ भाग रे, मानशु आगे चला गया, लल्लू पीछे ही रुक गया। भाग तो सही। आ रहा तो बीच में ही रुक गया। ये क्या तरीका है रेस लगाने का? चीटिंग नहीं करनी बाबू। हाँ हिमांशु जीत गया। तो गाइस हिमांशु रेस जीत गया, एक ही राउंड कराया इनमें, आ रहा तो बीच में ही रुक गया और अब गुस्से होके बैठ गया कि इसकी चप्पल की वजह से भाग नहीं सका, तो इसमें गुस्से होने की क्या बात है बाबू, कोई बात नहीं। तो गाइस आ रहा तो हार के उदास हो गया, तो अभी हिमांशु के घर से फोन आ रहा है, तो हिमांशु को घर पे छोड़ के आता हूँ मैं। चले चल आ जाए हिमांशु को छोड़ के। चल मैं छोड़ आता हूँ। ला बोल। तो गाइस अभी हिमांशु को घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो गाइस ये आ गया हिमांशु का घर। ला तू जा, मैं तेरी साइकिल कर देता हूँ अंदर आराम से। ये पकड़ बस, चल बाय। गेट कर देता हूँ बंद, जा तू। तो गाइस हिमांशु को घर छोड़ दिया, अब चलते हैं घर। तो गाइस हिमांशु को छोड़ के घर आ गया मैं। खैर अभी मीनू तैयारी कर रही है डिनर की, तो अभी थोड़ी देर में डिनर करेंगे। तो गाइस रात के 9:30 बज गए हैं और आर्या डिनर कर रहा है अपना, और डिनर में खा रहा है दही चावल
और ये देखो चावलों में से मटर निकाल के अलग कर दिए, फिर क्या मटर खा लेता। लल्लू लाल। तो गाइस देखना, खेल देखना, खाना खा के नंगू पंगू होके और तकिए लगा रखे हैं एक लाइन में और खेल ले जा रहा। पैंट डाले, पैंट देखना गाइस, सुसु करके और पैंट उतार के बहाना मिल गया उसको पैंट उतारने का। तो गाइस आ रहे ने डिनर कर लिया, अभी मैं और मीनू कर रहे हैं। तो गाइस डिनर कर लिया हमने, आर्यन ने तो पहले ही कर लिया था, मैंने और मीनू ने क्या करता है, और मैंने और मीनू ने अभी करा है। तो अभी फिलहाल बिग बॉस चालू हो गया, तो अभी बिग बॉस देखते हैं। अब कर ब्लॉग तो हो नहीं पाएगा, तो इस ब्लॉग का एंड करते हैं गाइस। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना। क्या करता है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं गाइस आपको नए ब्लॉग में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।